दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग वीक में सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लगभग 7.8% की तेज़ी सुजलॉन के अंदर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आज के दिन जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से रिसेंटली निकल कर आई है, उसके बाद ये शेयर आपको 50 रुपये तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में जो पिछले 6 सालों से प्रोग्रेस नहीं हुई है, वो पिछले 3 महीने के अंदर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के जो Q1 के नंबर्स निकल कर आए हैं, वो उस Q1 के अंदर हो चुका है। ये एक मिरेकल से कम नहीं है कि यहां पर इंडिया की विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन लगभग 160% से भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है इन पिछले 3 महीनों के अंदर। जो विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है पिछले पूरे 1 साल में नहीं हो पाई, वो इस 3 महीने में भी उसकी रिकॉर्ड यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सुजलॉन एनर्जी के अंदर कुछ इनसाइडर न्यूज़ तो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है कि कंपनी ने जो फुल कन्वर्टिबल शेयर्स थे जो राइट इश्यू के थ्रू कंपनी लेकर आई थी, अब उसे मेन शेयर्स के साथ कन्वर्ट कर रही, तो उससे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा। 2,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग के लिए कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। लास्ट मंथ ही कंपनी ने 20 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी को यहाँ पर इंक्लूड किया है, उसका बेनिफिट भी कंपनी को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सभी पॉजिटिव फैक्टर सुजलॉन एनर्जी के लिए एक पॉजिटिव वे का काम कर रहे हैं, और इसी के चलते इस शेयर्स के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर से मेरा मतलब है जो FPI है, जो म्यूचुअल फंड से, जो DII है, उनकी तरफ से इस शेयर्स के अंदर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सबसे पहले MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो रिपोर्ट यहां पर निकल कर आई है, सबसे पहले उस रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 8 जुलाई 2023 यानी कि कल ही के दिन लेट नाइट ये रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। डेट और टाइम मैं आपको यहां पर एग्जैक्ट कंफर्म करवा रहा हूं। अब बात कर लेते हैं क्या न्यूज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो इंडियाज विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन हैज बीन एन अनप्रेसिडेंट जंप इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल इज प्रोजेक्टेड टोटलिंग 1.13 गीगावाट वेर इंस्टॉल्ड अक्रॉस द कंट्री। यानी कि अगर पूरे देश की, पूरे भारत देश की अगर विंड एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन की बात करी जाए, तो इन 3 महीनों में 1.13 गीगावाट की रही है, विच इज मोर देन द इंस्टॉलेशन अचीव्ड एनुअली फॉर द लास्ट 6 ईयर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 सालों में हर साल भी इतनी कैपेसिटी इंडिया एक्सपांड नहीं कर पाई है जितनी पिछले 3 महीनों में यहां पर करी है, अकॉर्डिंग टू डेटा सोर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो यानी कि एक ऑफिशियल न्यूज हमें अनाउंस होते हुए देखने को मिल रही है, और इसके चलते यहां पर अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब सुजलॉन को 50 रुपए तक भी चाहते हुए कोई यहां पर नहीं रोक सकता। इंडिया हेड इंस्टॉल 430 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटीज इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि पिछले साल पूरे साल में इंडिया ने सिर्फ 430 मेगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल किया था, और इस बार कंपनी ने 1.13 गीगावाट की कैपेसिटी को यहां पर इंस्टॉल किया है। अगर हम बात करें मेगावाट में तो लगभग यहां पर 1 बिलियन वाट से भी ज्यादा कैपेसिटी यहां पर इंडिया ने एस्टेब्लिश करी है पिछले 3 महीनों में, कि ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स ग्रेटर देन एन एवरेज इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर सेम पीरियड ड्यूरिंग द पास्ट 6 ईयर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आज के दिन हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली आप पूछते हैं ना कि सुजलॉन के अंदर ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है, इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है? क्या सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के जो डिसीजन निकल कर आ रहे हैं उसके बेस पर सुजलॉन में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है? तो जी नहीं दोस्तों, अगर इंडिया की आप रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी देखेंगे, डिमांड देखेंगे, तो वो पिछले 6 सालों के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए बढ़ रही है, और उसी का बेनिफिट सुजलॉन को मिल रहा है। क्योंकि सुजलॉन के पास एक अल्टरनेटिव बेनिफिट है कि सुजलॉन इंडिया का 35% मार्केट शेयर कवर करके बैठा है। अभी ये 33% हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल एट प्रेजेंट की बात करें तो 35% का मार्केट शेयर विंड एनर्जी के मामले में सुजलॉन के पास हमें देखने को मिलता है, और यही एक मेन रीज़न है कि सुजलॉन के अंदर हमें इतनी शानदार वॉल्यूम बेस्ड काम और इतनी शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करें कि यदि आपने सुजलॉन के अंदर खरीदारी कर रखी है, तो क्या स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर लेकर चलना है,
किन लेवल्स को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके पहले यहाँ पर आपने थंबनेल पर एक और वर्ड देखा होगा, सुज़लोन एनर्जी विंड एनर्जी के मामले में दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, विंड एनर्जी कंपनीज की बात करें अक्रॉस द वेब अगर हम बात करें तो सबसे पहली कंपनी हमें देखने को मिलती है वेस्टास, दूसरी कंपनी हमें देखने को मिलती है सीमेंस और तीसरी कंपनी हमें देखने को मिलती है सुज़लोन एनर्जी जो कि इंडिया की कंपनी है और अपने लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर सुज़लोन की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली मई मंथ में ये डेटा हमें रिलीज होते हुए देखने को मिला था जहाँ पर द ग्रुप हैज़ अ क्यूमुलेटिव ग्लोबल इंस्टॉलेशन ऑफ ओवर 19.7 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी कैपेसिटी ओवर 5,800 एम्प्लॉयज विद इन द डाइवर्स नेशनलिटीज एंड वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी भी बन चुकी है, कंपनी का मार्केट कैप भी लगभग 22,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, साथ ही साथ कंपनी काफी पुरानी हमें देखने को मिलती है और इंडिया की जो पावर कंजम्पशन की डिमांड है जो कि कंटिन्यूसली हमें राइज होते हुए देखने को मिल रही है। अगर जून मंथ के नंबर्स की बात करी जाए तो लगभग 223 गीगावाट की जो पावर कंजम्पशन की डिमांड है वो हमें जून के मंथ्स में देखने को मिली थी। तो अल्टीमेटली आप देख पाएंगे कि इंडिया की पावर कंजम्पशन की डिमांड बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर न्यू रूल्स यहाँ पर आ चुके हैं, विंड एनर्जी को लेकर न्यू रूल्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो अल्टीमेटली इन सभी का बेनिफिट सुज़लोन एनर्जी को मिल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ सुज़लोन एनर्जी को? नहीं दोस्तों, विंड एनर्जी के मामले में दूसरी भी जो कंपनियां हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी में जो कंपनियां काम कर रही है उनको भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो यदि आप रिन्यूएबल एनर्जी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, यदि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखते हैं आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें से सुज़लोन भी एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सुज़लोन भी प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है और यहां पर भी लॉन्ग टर्म में हमें इसके भी दिन बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बात आती है सुज़लोन एनर्जी के यहां पर लेवल्स की, तो यहां पर सुज़लोन एनर्जी के चार्ट पैटर्न को जब हमने एनालिसिस किया तो हायर हाई पैटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि शेयर पूरी तरीके से ओवरबोर्ड जोन की कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, जिस कारण से नियर टर्म में यहां पर प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। तो यदि आप सुज़लोन के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो 16 रुपीज के स्टॉप लॉस को आप यहां पर कंसिडर करते हुए चल सकते हैं और 22 रुपीज के लेवल्स को यहां पर आप लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ और इंपोर्टेंट यहां पर अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कल से जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने जा रहा है इसमें ओवरऑल कुछ कंपनियां डिविडेंड यहां पर देने जा रही है जिसकी एक्स रेट भी हमें इसी वीक देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल बात करी जाए तो 280 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यहां पर आप अर्न कर सकते हैं यदि आपका इन्वेस्टमेंट इन कंपनी के अंदर है तो। लाइक कल की बात करें यानी कि 10 जुलाई 2023 की, तो LTI माइंट्री ने जो 40 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसकी एक्स डेट है। ऑनवर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने जो फाइनल डिविडेंड 3 रुपये पर शेयर का अनाउंस किया है उसकी एक्स डेट है। 11 जुलाई की बात करें तो पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के फाइनल डिविडेंड की एक्स डेट है। डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज ने भी जो 40 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसकी एक्स डेट भी हमें इसी वीक में यानी कि 11 तारीख को देखने को मिल रही है। बाकी कंपनियों की भी यहां पर डिविडेंड की एक्स डेट आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं 12 जुलाई की बात करें तो 12 जुलाई के अंदर भी आप विल्स इंडिया लिमिटेड, किर्लोस्कर, साथ ही साथ जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड ने भी जो फाइनल डिविडेंड किया है उसकी भी एक्स डेट यहां पर फॉल हो रही है। वहीं 14 जुलाई की बात करें तो 14 जुलाई के अंदर भी हमें बहुत सारी कंपनियों के डिविडेंड यहां पर देखने को मिलने वाले हैं जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, बॉश, शांतिनी गियर्स, सफारी इंडस्ट्री, PTEL इंटरप्राइजेस, पॉलीकेम लिमिटेड, सभी कंपनियां यहां पर देखने को मिल रही है। यदि आप इन कंपनियों के अंदर निवेश करना चाहते हैं और डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो एक्स डेट के पहले आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे अपना प्यार दिखाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।